हमारे एक संत हुए हैं ब्रह्मानंद जी, जो कहते हैं अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। मैंने बहुत बड़ा अचरज देखा, ब्रह्मानंद जी कहते हैं। और अचरज क्या है कि गगन बीच अमृत का कुआं, झड़े सदा सुकारी रे। गगन के बीच में अमृत का कुआं है, जैसे देवासुर संग्राम हुआ उसमें अमृत की चार बूंदें गिरी, एक नासिक में, एक उज्जैन में, एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार में। तो 12-12 साल के बाद वहां पर कुंभ मनाया जाता है। तो कहा वो अमृत की बूंद गिरती है, मनुष्य के अंदर एक अमृत का कुआं है और वो अमृत की बूंद है, लिविंग वाटर। वो अमृत की बूंद अपने अंदर आती है। गगन बीच अमृत का कुआं, झड़े सदा सुकारी रे। पंगु पुरुष, ऐसा पुरुष जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, और वो क्या करता है, दौड़ता है। आपने देखा मन के हाथ पैर नहीं होते हैं, पर मन कितनी तेजी से दौड़ता है। कब मन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। ये मन संसार के अंदर इतना चलायमान है। शरीर आपका यहां बैठा है और मन कहीं का कहीं चले जाएगा। ये मन जब ध्यान करता है, तब कहा कि वहां एक ऐसा देश है जहां पर बाजा बजता है, और उसको कौन सुनता है, जो अंतर्मुखी होता है, संसार से बहरा हो जाता है। बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। जीता मर के फिन जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संतजन बिरला समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। तो संत कहते हैं वो अचरज है, मिरेकल है, और वो हमने उसका अनुभव किया। तो संतों के दरबार में जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब उसका हम दीदार करेंगे, अनुभव करेंगे। महात्मा बुद्ध ने जो मंत्र दिया, ओम मणि पद्मे हं, उसमें ओम जिसमें हम पश्चंती, मध्यमा और बैखरी, तीन वाणियों का उपयोग करते हैं। भगवान का तीनों वाणियों से अति पवित्र नाम ओम का हम उच्चारण करते हैं। ये अपरा विद्या की वाणी है। परा विद्या का विषय अध्यात्म का विषय है। दो विद्याएं होती है, अपरा विद्या और परा विद्या। सारे वेद शास्त्र लिखने पढ़ने की जो विद्या है, ये अपरा विद्या है। जो अध्यात्म का ज्ञान है, वो परा विद्या का विषय है। ओम मणि, मणि का मतलब होता है जो चीज चमकती हो, जिसमें प्रकाश हो। आपने सर्प मणि का नाम सुना होगा। सांप क्या करता है, मणि को निकाल के रख देता है, उससे प्रकाश निकलता है, कीड़े आते हैं उन कीड़ों को खाता है। सर्प कणि का मतलब प्रकाश। ओम मणि माने प्रकाश देने वाली चीज। इसीलिए रामचरितमानस में कहा, राम भक्त चिंता मणि सुंदर, बसहे गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। कहते उसके लिए आग की, अग्नि की, चंद्रमा की, सूर्य की जरूरत नहीं है। गीता में भी भगवान कहते हैं, न तत्त्वभाष्ते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परममम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं है, जहां पर चंद्रमा की रोशनी नहीं है, ये तो फिजिकल लाइट्स है सारी, अग्नि की रोशनी नहीं है, वहां स्वमेव प्रकाश है। और वहां पहुंचने के बाद जीव संसार में लौटता नहीं है। तो एक ऐसा धाम है। इसलिए आपने, मैं आपको एक वैज्ञानिक उदाहरण देता हूं। ये लाइट जल रही है, सबसे पहले विज्ञान के लोगों ने कहा कि भाई बिजली को जब हम किसी तार से गुजारते हैं तो तार गर्म हो जाता है, रोशनी देता है। चलो कोशिश करो, इससे बल्ब बनाएंगे। उन्होंने तार में बिजली डाली तो तार लाल होकर के जल गया। उन्होंने कहा क्यों जल गया, तो पता लगाया कि भाई हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कारण तार जल गया। तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन को निकाल दो। तो ऐसा बल्ब बनाया गया जिसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, उसमें से
तार लगा करके जब बिजली डाली गई तो तार लाल होकर के रोशनी देने लगा। पर आपको पता है जिस बल्ब के अंदर टोटल वैक्यूम हो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जरा गिरता है तो टूट जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी गैस को ढूंढो जो जले नहीं, जो इनर्ट हो। तो उन्होंने नियॉन गैस को, क्रिप्टॉन गैस को, आर्गन गैस को ढूंढा। ये जितने बल्ब जल रहे हैं इनके अंदर इनर्ट गैस है, वो केमिकली कंबाइन करती ही नहीं है। कितनी भी रोशनी जलेगी वो केमिकल कंबाइन करती नहीं है, वो फ्लेमेंट को जो तार जल रहा है उसको जलाती नहीं है, तो तार लाल होकर के रोशनी देने लगता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया से इनर्ट माने जहां पहुंच करके जीव लौटता नहीं है, कोई केमिकली कंबाइन करता नहीं है, क्योंकि अगर हम संसार में आएंगे तो जाएंगे भी। क्रिया और प्रतिक्रिया, आप लोग सत्संग में आए, सत्संग की समाप्ति के बाद चले भी जाएंगे। एक्शन और रिएक्शन, संसार के अंदर एक्शन और रिएक्शन है, पर ऐसा भी पदार्थ है जो एक्शन और रिएक्शन में कंबाइन नहीं करता, इनर्ट होता है। उसको भगवान कहते हैं मेरा परम धाम, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है और वो टोटल सैचुरेशन को, तृप्तता को प्राप्त कर लेता है, सैचुरेशन को प्राप्त कर लेता है। तो ये आध्यात्मिक जगत में भी हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, उस इनर्ट तत्व को प्राप्त करते हैं, और उसको प्राप्त करने के बाद संसार में फिर लौटना नहीं होता, आवागमन समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा चने को ले लो, लेंटल्स को लो, बीजों को लो, पानी में डालोगे तो स्प्राउट करेंगे, पर उसी बीज को आप भून दोगे तो भूनने के बाद चना उगेगा नहीं। अगर दालों को भून दोगे तो दाले उगेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जिसके संस्कार ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाते हैं वो संस्कार वो संसार में आता नहीं, उसका ना जन्म और ना मरण होता है, ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसका जन्म मरण मुक्त हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है। अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए हम भगवान की साधना करें।